वेलकम गाइज, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल में। और आज एक और गाड़ी आई है, टाटा नेक्सोन हमारे पास। और आप लोगों को पता ही है, टाटा हमारे देश की गाड़ी है। और हर बार मैं बताता हूँ, टाटा मुझे पसंद है, शायद मेरी अगली गाड़ी नेक्सोन ही हो। तो और टाटा की नेक्सोन की हमने कई वीडियो आपको दिखाई है, किसी में फेंडर है तो किसी के अंदर क्वार्टर पैनल है। आज हमारे पास आई है टाटा नेक्सोन की डिक्की। तो गाइज, डेंट निकालने से पहले डिक्की का गत्ता खोला जाता है, जैसे कि हमने इसका खोल दिया और गत्ता इसमें ये रखा है। और अब बाकी इसका जो है डेंटिंग का प्रोसेस चालू होगा, तो वो दिखाते हैं आपको। फाइनल लुक, नेक्सोन डिक्की डेंटिंग पेंटिंग वर्क। वेलकम गाइज, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल में। और आज एक और गाड़ी आई है, टाटा नेक्सोन हमारे पास। और आप लोगों को पता ही है, टाटा हमारे देश की गाड़ी है। और हर बार मैं बताता हूँ, टाटा मुझे पसंद है, शायद मेरी अगली गाड़ी नेक्सोन ही हो। तो और टाटा की नेक्सोन की हमने कई वीडियो आपको दिखाई है, किसी में फेंडर है तो किसी के अंदर क्वार्टर पैनल है। आज हमारे पास आई है टाटा नेक्सोन की डिक्की, जिसको हमने डेंट पेंट करना है। ये इस तरीके से लगी हुई है, ये देखो, ये डेंट है इसका और ये खुल भी नहीं रही है। तो हमें इसका काम करना है सारा, तो दिखाते हैं आपको इसकी सारी वीडियो। बड़े नए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, डेंट निकालने से पहले डिक्की का गत्ता खोला जाता है, जैसे कि हमने इसका खोल दिया और गत्ता इसमें ये रखा है। और अब बाकी इसका जो है डेंटिंग का प्रोसेस चालू होगा, तो वो दिखाते हैं आपको। तो गाइस, इसमें नेक्सोन के अंदर डेंटिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है। तो अब अंदर से अपना थप्पा वगैरह लगा के हम बाहर से इसकी डेंटिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा था ये कैसे घुसा हुआ था, कितने ज़्यादा लग रही थी। और अब धीरे धीरे इसकी तुरपाई हो रही है, तो ये बिल्कुल अपनी ठीक पोजिशन में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिखानी है। और अब मैं जाऊँ फिलहाल सामान लेने के लिए, जब तक इसकी शायद डेंटिंग हो भी जाए। तो आपको बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यार दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले स्टेप में। तो उनका डेंटिंग का प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है, अब आप देख सकते हैं इसकी डेंटिंग हो गई है। तो पहले कितना बुरी तरीके से अंदर की साइड में घुसा हुआ था, लगा हुआ था, और अब हमने इसकी डेंटिंग कर दी है। और डेंटिंग मतलब ये नहीं कि नाम के लिए डेंटिंग कर दी, प्रॉपर आप देख सकते हो जो अंदर डेंट पड़ा हुआ था वो हमने प्रॉपर तरीके से निकाला है। तो यही काम आपको बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे मिलता है। और ये गाड़ी भी हमारे पास गूगल से आई है, इन्होंने पहले हमारे गूगल में रिव्यूज़ देखे, उसके बाद ये हमारे पास काम कराने के लिए आए। तो जितना भी हो सकता है हम आपको उतना ही अच्छा काम अपना दिखाएँगे और देते रहेंगे। बस बात एक ही है आपसे जो कहनी है, हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, और वो शॉर्ट वीडियो जल्दी से जल्दी ब्लास्ट होती जा रही है, यानी कि बूस्ट हो रही है। और अभी तक उसको 600-700 लोगों ने देख लिया है। तो बस आपसे यही कहेंगे, आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे, और अब मिलते हैं आपसे इसके अगले प्रोसेस में। गाइस, डेंटिंग के बाद इसमें बॉडी पिलर का प्रोसेस चालू हो चुका है, जैसे कि हर बार हम हर गाड़ी के अंदर करते हैं। तो अब इसमें पहले इसकी डेंटिंग हुई, और डेंटिंग मैंने आपको दिखाई कि प्रॉपर हमने डेंट निकाला है, ये नहीं कि थोड़ा सा खड्डा वड्डा छोड़ दिया हो। और उसके बाद इसमें हमने बॉडी पिलर वगैरह भर रहे हैं, फिर बॉडी पिलर भरने के बाद फिर इसका चालू होगा कटाई का प्रोसेस। और फिर जो है इसकी कटाई के बाद इसमें पट्टी और रस्सा जो हम वैसे से करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोसेस वैसे ही दिखाएंगे। और बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो अब दिखाते हैं इसका अगला स्टेप, जब इसमें पट्टी वर्क होगा। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। जैसे बॉडी पिलर इसमें भरा गया था, वैसे ही इसकी रगड़ाई भी चालू हो चुकी है। तो पहले डेंटिंग हुई, फिर बॉडी पिलर भरा गया, और फिर उसके बाद इसको रगड़ा जा रहा है। और रगड़ जब हम इसको रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद प्रॉपर इसकी शेप आ जाएगी, कि जैसे ये कंपनी से होकर आती है एज इट इज़ वैसी हो जाएगी। और फिर बॉडी पिलर मोटा होता है, उसके अंदर जो लाइनें पड़ जाती है उसको ख़त्म करने के लिए हमें इसके अंदर पट्टी भरनी पड़ती है। तो जब हम पट्टी भरते हैं तो पट्टी की भी इसी तरीके से रगड़ाई होती है, और जो इसमें बॉडी बिल्डर में जो लाइनें वगैरह होती है पट्टी सारी उसमें बैठ जाती है, और फिर ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं अस्तर का, तो पट्टी काटने के बाद उस पर अस्तर मारा जाता है, और फिर उसके बाद उसमें पट्टी वगैरह चेक करी जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक और सबसे ख़तरनाक काम होता है, और वो है मास्किंग का। मास्किंग जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, हमारी मास्किंग बहुत बेहतरीन होती है, ताकि कहीं भी पेंट की फुहार इधर से उधर ना चली जाए और किसी को पता ना चले कि हमने ये पेंट करा है। जैसे कि गाड़ी पूरी ओरिजिनल है, लेकिन डिक्की फर्स्ट टाइम पेंट हो रही है, तो हम इसका पेंट भी ऐसा करेंगे बिल्कुल जेन्युइन जैसा।
आपको दिखाएंगे अब इसका अगला स्टेप, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइस ये टाटा नेक्सॉन, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इसमें बॉडी पिलर घिसा जा रहा है, तो वो घिसने के बाद में जो अगला स्टेप होता है वो होता है पट्टी का। तो इसमें पट्टी भरी गई है और पट्टी भरने के बाद आप इसकी लाइन देख सकते हैं बिल्कुल बराबर बराबर ऊपर की और ये नीचे की। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है कि पेंट से पहले सब कुछ सही रहे, तो जब पेंट मारा जाएगा तो ऑलरेडी सब कुछ सही ही रहता है। अब ये पट्टी भर दी गई है, इसके बाद इसकी कटाई होगी। कटाई के बाद इसका प्रोसेस रहेगा मास्किंग का, जो मैंने आपको बताया था बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये वाला काम भी आपको दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। गाइस जो पट्टी भरी थी अब उसका कटाई का प्रोसेस चालू हो चुका है और पट्टी कटाई करी जा रही है। इसको सूखने का टाइम दिया जाता है काफ़ी, यानी कि कम से कम नाना करते करते एक घंटा तो इसको सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर गीली पट्टी काट दी जाएगी तो जो निशान है वो सारे उभर जाते हैं। तो इसलिए जो है अब पट्टी का प्रोसेस चालू है कटाई का, और उसके बाद दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इसकी मास्किंग करी जाएगी और बम्पर शीशा ऊपर का सारा पोर्शन आसपास का प्रॉपरली ढक दिया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में, दिखाते हैं आपको इसका सारा काम। तो गाइस फाइनली पट्टी कट चुकी है और चारों तरफ आप पेपर देख ही रहे होंगे, ऊपर की साइड, नीचे की साइड और साइड की साइड, ये देखिए इसको ही कहते हैं मास्किंग। मास्किंग बोले तो सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ढकना, यानी कि जब हम डिक्की पे पेंट मारेंगे तो कोई भी फुहार बॉडी पे नहीं जानी चाहिए। तो ये है ओपन, तो ये है मास्किंग का प्रोसेस। अब इसके ऊपर डाला जाएगा अस्तर, तो दिखाएंगे आपको वो भी, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइज ये है अस्तर का प्रोसेस, यानी कि पट्टी भरने के बाद में, पट्टी कटाई हुई, पट्टी काटने के बाद में इसके ऊपर अस्तर मारा गया, और अस्तर मारने के बाद में फिर इसके ऊपर दोबारा टकोरे चेक करे गए और जहाँ जहाँ हल्का फुल्का स्क्रैच थे उनको दोबारा से कवर करके फिर दोबारा कटाई का प्रोसेस किया। और अब इसमें बारी है जो है, अब इसमें बारी है फाइनल पेंट की। और जब पूरी गाड़ी होती है तो उसके ऊपर बेस कोट मार दिया जाता है ताकि पेंट मैचिंग में आ जाए, बराबर बराबर आ जाए और कवरिंग जल्दी आ जाए। लेकिन ये एक पीस है और कभी भी अस्तर के ऊपर अगर पेंट मारा जाएगा तो उसकी शाइनिंग भी जो है गजब की निकलने वाली होती है। तो अब दिखाते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर राजा जी हमारे पेंट मारेंगे, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो ये लगा ये फाइनल पेंट की तैयारी चालू हो चुकी है और इसमें फाइनल पेंट मारा जा रहा है, और आप देख सकते हैं जैसे जैसे पेंट लगता जा रहा है वैसे वैसे डिक्की का कलर चेंज होता जा रहा है। और ये एक हाथ लगाए, उसके बाद थोड़ा सा इसे सूखने का टाइम दिया जाएगा और फिर इसमें दोबारा पेंट मारा जाएगा ताकि दो हाथ तीन हाथ मार के प्रॉपर ये डिक्की एकदम कवर हो जाए जिस तरीके से गाड़ी का पेंट है बिल्कुल वैसा ही। तो हमारे साथ बने रहिए और सब कुछ देखते रहिए। तो गाइस दूसरे हाथ का प्रोसेस भी चालू हो चुका है और देखते ही देखते डिक्की जो है बिल्कुल डिट्टो पेंट मैच हो जाएगा। और फाइनल मज़ा तो तभी आता है जब इसके अंदर क्लियर मारा जाता है, क्योंकि क्लियर मारने के बाद जो शाइनिंग आती है वो देखने वाली बनती है। तो सब कुछ दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। तो गाइस फाइनली टाटा नेक्सॉन डिक्की पेंट हो चुकी है और लुक आप देख ही सकते हैं क्या ज़बरदस्त है, और शाइनिंग आपको देखने से बनी रही होगी, क्या गजब लग रही है। और ये इसका साइड पोज है, साइड पोज से और देख सकते हैं। अब दिखाते हैं आपको जब इसका पेपर हटाएंगे तो ये कैसी लगेगी, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फाइनल लुक नेक्सॉन डिक्की डेंटिंग पेंटिंग वर्क। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हुई, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।